ठीक है उन्हें, चलो गुड नाइट, बाय बाय ज्योति दीदी, ठीक है चल जाना रूम में, है ना ठीक है, होटल में और कहीं जाना नहीं रात में। सपनों का शहर है तू लग रहा भाई। कैसा लग रहा है आपको ज्योति दी? ऐसे हम लोग का घर होगा कभी? घर तो सोच नहीं सकते। बाप रे वाह। तो गाइस रिवील कर दिया मैंने, ये भी अगर नया प्रॉपर्टी है आज रिवील हो जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा मेरे को भी प्रॉपर्टी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये मनोज का नया घर बन। थैंक यू, रुकिए एक सेकंड। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। 2 hours later भाई साहब, अचानक से अभी हम लोग सो नहीं रहे, बताओ अभी हम लोग नाइट आउट कर रहे हैं क्या कार्तिक? यस ब्रो, सावन सावन भाई के साथ भी घूम करके बहुत मजा लगा भाई। चलो बढ़िया है भाई, तो आज हम लोग नाइट आउट कर रहे हैं, मतलब सारे दोस्त लोग मिलके तबाही कर रहे हैं, माहौल गरम, जिसको बोलता है भाई माहौल गरम कर देंगे। हमारे अंदर बोलते ना अभी रात का कीड़ा खत्म नहीं हुआ है, एक किया हो गया है इधर, और आगे कौन सा है कार्तिक? पूरा धनवाद का हाईवे है गाइस, चेकआउट कर सकते हो, अभी हम लोग धनवाद का हाईवे में है। 2 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, फिलहाल अभी सुबह के 8 और बगल में कौन सोया ये देखो, हमारा चटनी भाई, इधर हमारा अपडेट ज्ञान भाई। गुड मॉर्निंग भाई लोग, सभी को मेरे तरफ से, और आधे इधर भी भाई लोग सोए हुए हैं सोफा में, कुछ कुछ सोए हुए हैं, फिर स्टूडियो में सोए हुए हैं। तो भाई साहब वैसे हम आज सुबह ही निकलने का प्लान था। ये मेरा चटनी भाई, चटनी भाई, गुड मॉर्निंग चटनी भाई, गुड मॉर्निंग चटनी भाई, चश्मा उश्मा कहाँ चटनी भाई? याद उद है आपको चश्मा उश्मा? तो भाई अभी सब सोए हुए हैं इसीलिए ज़्यादा चिल्ला भी नहीं बोले कि डिस्टर्ब होगा उनको। और इस तरफ चेक करो गाइस, ये चेक करो। अच्छा मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, यहाँ गेट है और ये रहा बालकनी, देख सकते हो। और भाई साहब अभी जैसे ही बाहर निकले ना, इतना मस्त हवा चल रहा है, कल रात को जो हवा चल रहा था भाई कसम से बता रहे, यहाँ पे अगर आप बैठोगे ना पंखा की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद कुछ ऐसा दिखता है गाइस, ये चेक करो गाइस, धन्यवाद कैसा लग रहा भाई? सेक्सी है ना? बताओ गाइस कैसा लगा भाई धन्यवाद, आप लोगों को कैसा लगा? उतना अच्छे से तो नहीं घुमा पाए, और मनोज भैया से हम लोग कब रात को कितना बजे विदाई लिए होंगे? कम 12 बजे ना, फिर हम लोग नाइट आउट भी मारे हैं। मनोज भैया बोले कि रुक के जाना, बोले कि रुक के जाना, क्योंकि जब हम आ पाए तब मतलब उतना हम लोग अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर पाए मनोज भैया के साथ। अभी तो आपको पता है यार शादीशुदा भी हो गए मनोज भैया, तो पहले जैसा रहता तो भाई हम ही लोग के साथ रहते क्या, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा जिम्मेदारी आ गई है घर पे, और एक मतलब खुद होता है ना मैच्योर हो जाते धीरे धीरे, तो कितना ही टाइम दे पाएंगे, बट फिर भी कोशिश किए कल मनोज भैया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मजाक मस्ती हुआ बहुत किए, पर आज मनोज भैया आज आएंगे, तो फिलहाल वो सब बात ना करते हैं। और ये चेक करो गाइस पीछे का व्यू, बताओ जा रहे कार्तिक भाई के घर पे, तो ये रहा अपना कार्तिक भाई, तो फिर उधर ही से हम लोग जाएंगे मनोज भैया के घर। बात सुनने वाले पता है क्या चीज से? बाइक से, बाइक से, पैशन मेरा बसंती से, बसंती से, बहुत कार से भाई घूम लिए, आज भाई घूमेंगे बाइक से, और हम लोग बताएंगे भाई धनबाद का कैसा फील रहता है, बहुत जिन बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ा धूल उड़ता है, बट हम देखते हैं आज बिना मास्क का आपको घूम के दिखाते हैं, कोई डस्ट वस्ट नहीं आएगा। अभी ढाबे पे रुके हैं और यहाँ देखो चाय और बिस्कुट चल रहा है, यहाँ हमारे कार्तिक भाई और सुभोजीत, चलो चाय और मजा आ रहा है धनबाद घूम के भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा, बहुत ज्यादा, चलो
हम टेस्ट करते हैं। तो यस गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कहाँ, आप लोग गेस कर सकते हो, मतलब बता ही दिया है कि कार्तिक के घर आ चुके हैं। क्या भाई, कार्तिक भाई के घर लेके आ गए। ये कार्तिक भाई का घर भाई को इधर लोकेशन रिवील नहीं करेंगे ना तो फिर पता चल जाएगा। कर सकते हैं ना? ओके, नमस्ते। तो भाई हम लोग चढ़ रहे हैं अभी पहाड़ अब ब्लॉग को दिखा सकता भाई, देख सकते हैं कैसा सेटअप है मेरा। हाँ, अब देखो। अच्छा, इधर ही है सेटअप। बाहर से देखो ये और अंदर से उलाला। चलो चप्पल यही भाई, भाई का सेटअप देख रहे ना, बाहर से आपने देखा कैसा है और अंदर से देख लो भाई। नॉर्मल भाई, पब्लिक का प्यार सपोर्ट से ही बनाए हैं। अपना वो करो, मेरे घर में एकदम फुल फ्रीडम है। मेरा घर में ना कोई बोलने वाला है कुछ, ना कुछ भी, एकदम आराम से जो करना करो, गाना बजाओ, वीडियो देखो, रह जाओ दो चार दिन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भाई, इतना बड़ा दिल होना चाहिए सबका, ठीक है? दिल बड़ा है भाई। तो फिलहाल अभी नाश्ता वास्ता करते हैं भाई, और सुभोजित भी रेडी है। तो भाई आज कार्तिक के घर पे एकदम मस्त नाश्ता कर रहे हैं। कार्तिक भाई ना बहुत अच्छा है, सही बता रहा हूं। दिल से बहुत अच्छा है भाई। हम लोग भाई घर देख लो, बोला कि नहीं भाई अब नाश्ता करके जाना पड़ेगा। और नाश्ता वगैरह भी देखो भाई क्या क्या बनवा के लाया है। देखो पूड़ी है, फिर आलू चोप है। खाली क्या बोला हमने को कि भाई रोटी है और कुछ सब्जी होगा, और देखो ऐसे क्या क्या बनवा के लाया है। और एक चीज बता दो गाइस, धनबाद में हम रुकते कम से कम 3 या 4 दिन स्टे करते भाई, और फुल मजा करते। मनोज भैया सारे लोग मिल के, कार्तिक हो गया, हम सब मिल के एंजॉय करते। पर दिक्कत क्या है ना, संडे को पूजा पड़ जा रहा है, जो कि आप लोग को अभी तक नहीं क्लियर किए कि कौन सा पूजा क्या। हाँ भाई, वो संडे दूसरा ब्लॉग में आएगा। हाँ, तो सुभोजित भी मतलब आज ही हम लोग निकल जाएंगे। वैसे आपको भी पता है यार, क्या ही पता है। खैर कोई नहीं, वक्त की बात है, फिर आएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर मिलके हम लोग खेलेंगे कूदेंगे। बट अभी है, अभी थोड़ा सा कुछ टाइम है हम लोग का। यस, अभी है जितने देर है उतने देर आपको दिखाएंगे सब कुछ। क्या मजा करो तब तक। तो गाइस, अभी कौन सा मंदिर में आए गेस करो। ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा भाई, ये धनबाद का मंदिर है। ओके, और यहाँ कार्तिक भाई का जस्ट बगल पे है, इतने सारे कबूतर उड़ रहे हैं। ये वाला गली पहचाना लग रहा है, ये वाला घर भी देखा लग रहा है, ये ओनो भी देखा लग रहा है। भाभी जी का प्रॉपर्टी, और ये मनोज भी जहाँ पहले काम कर रहे हैं, भैया जी का प्रॉपर्टी। इसको पहचान रहेगा, इसको कौन है। तो भाई अभी जा रहे मनोज भाई के घर फर्स्ट टाइम। क्या सावन गाइस, वेलकम है आप सभी का ब्लॉग में। ब्लॉग बनी मनोज भाई के घर पे। तो फिलहाल गाइस, भाई धन्यवाद तो बहुत बड़ा है, पर आज फर्स्ट टाइम मनोज भैया घर में। ये कौन है देखो, गुल्लू ना। हाँ गुल्लू, नमस्ते आंटी। गुल्लू स्कूल नहीं है, छुट्टी है। हाँ सामने ले। अरे भैया सुतल तो लंबा है इसका गला, सही में डर लग रहा है बाबा, वो ऐसे करके ना। फिर भी काम तो भूल गया, मोटा मेरा यहाँ छोटा हो गया है भाई, तुमको देख के मोटा भाई जोहार गए। हाँ मैं इसलिए नहीं बोल रहा, सही में आप नहीं रहते ना, तो अभी कासम से वहाँ इतना काटा है, सही में काटा है बहुत कोई को। अभी रिसेंटली आया था, वाईफाई ठीक कर दो, हाँ बंद नहीं दे रहा था, हाथ फाड़ दे रहा था, ज्यादा देर का बात नहीं, 3 महीना हो गया डर लग रहा है। पता नहीं कैसे अग्रेसिव हो गया पूरा, खतरनाक टाइप से। ये गाइस मनोज भैया का फेवरेट है, ये दूसरा जीवी है, जीवी आता ना वीडियो बना के दिया है पंचायत में 25 लाख वीडियो बना। अच्छा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ भाई। देखो यार ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या मनोज भैया का चैनल पे वीडियो आ जाएगा हम लोग से पहले, जो नहीं अफोर्ड कर पाता उसके लिए स्टूडियो दिया है गवर्नमेंट, मतलब बहुत सपोर्टिव है उधर से, वीडियो बनाइए यूट्यूब पे नाम रोशन कीजिएगा।
खाली फर्स्ट क्लिप सिंगल इसका बना पहले ठीक है मैं गरीब हूं एक्ट करेगा वो आएगा बीच में उसके बाद हम आएंगे पूरा डायलॉग बनाना है तो यहां पे बना यहां पे पीछे मेरा फोटो बना चाहिए फिर मैंने मेरा स्टूडियो पे ठीक डायलॉग पूरा ना हां ठीक 3 2 1 स्टार्ट मैं गरीब हूँ हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए हाँ पर कोई नहीं मैं गरीब ही ठीक हूँ ठीक है चलो अब कट लग जाएगा तुम इधर आ जाओ हाँ तो भाई ये वही बंदा है जिसका टिकटॉक में वीडियो वायरल हुआ था मैं गरीब हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा इसके इस वीडियो को इतना ज्यादा यूज किया है मीम के थ्रू मीम के तहत इसको इतना यूज किया है काफी सारे ब्लॉगर्स ने काफी सारे रोस्टर्स ने काफी सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स में तो भाई अभी आपको कैसा लगता है ये वीडियो इतना वायरल हुआ था तो बहुत ही अच्छा लगता है और पता नहीं था कि कोई गरीब को भी यूज करेगा ये गरीब वर्ल्ड भी कोई यूज करेगा सही बात है और ये हमारे सीनू भैया जी आते हैं मनोज सीनू भैया तो चलो गाइस फिलहाल अभी निकलते हैं फटाफट से जहाँ मनोज भैया का नया घर बन रहा है वो भी चलते हैं क्योंकि उनका घर धनवाद में ही बन रहा है ना सीनू भैया निकल जल्द आते गाइस गुड मॉर्निंग नेक्स्ट टाइम घर आ गए बहुत बड़ी बात है बाकी देखो ज्योति दी पहले घर पे खाना बनाती थी आज स्पेशल हाँ वो तो घर गई पर ब्लॉग में हम देखते थे दीदी क्या क्या बनाती थी अलग अलग पापड़ उपड़ छान कर रहती थी खैर कोई नहीं आएंगे बहुत जल्द आएंगे दीदी हाँ आज ही निकलना मिल गई है मनोज भैया के घर पे आपका चैनल का नाम क्या है पिया गोलू ब्लॉग्स तो गाइस पिया गोलू ब्लॉग्स तो चलो गाइस अब चलते हैं क्योंकि मेरे को भी जमशेदपुर निकलना है भाई एंड पूजा है बोल के नहीं तो यहीं आज रुक जाते हम लोग खैर कोई मनोज भैया मनोज भी उधर चल गए तो गाइस ये देखो हमारे मनोज भैया का हैरियर हैरियर टाटा है टाटा देख सुन जा उसका कितना भारी है टाटा हैरियर ये तो लग्जरी लग रहा है हैरियर तो अंदर से इसका इंटीरियर ये भी लग रहा है